हेलो फ्रेंड्स, आज आप शिल्पा के साथ देखेंगे एक नई रेसिपी जो बच जाती है रोटी रात की। उससे हम एक यूनिक रेसिपी बनाएंगे जो आप पार्टी स्नैक्स बोल के भी सर्व कर सकते हैं, किटी पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं, कोई अचानक गेस्ट आ जाए उसमें भी स्टार्टर के तौर आप सर्व कर सकते हैं, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो ये रेसिपी आप पूरा देखिए। इसी तरह मैंने अपने चैनल पर 2-3 रेसिपी डाली है जो बच्चों को आप अलग तरीके से प्रेजेंट करके सर्व कर सकते हैं। जैसे मैंने एग की रेसिपी डाली थी, फिर कुछ रोटी की रेसिपी डाली थी इसी तरह, और कुछ चॉकलेट की, जो बच्चों को आप हेल्दी वैसे थोड़ा बहुत कैसे आप उनको सर्व कर सकते हैं, उन्हें खिला सकते हैं, तो वो रेसिपी भी आप ज़रूर देखिए। आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक और बहुत ही यम्मी रहने वाली है, तो वो रेसिपी तो आप ज़रूर ज़रूर पूरा देखिए। तो हम शुरुआत करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम लेंगे रोटी। ये मेरी रोटी रात की ही बची हुई है, आप देख सकते हैं। तो इसमें से हम एक रोटी लेंगे, उसे इस तरह गोल गोल फोल्ड कर लेंगे और छुरी से हम इसे कट कर लेंगे। ठीक इसी तरह हम इसे कट कर लेंगे लंबे लंबे। फिर इसे कट करने के बाद हम इसे रोल करेंगे ठीक इस तरह। इस पे एक और पट्टी हम रोल कर लेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे टूथपिक। टूथपिक डाल के दोनों को लॉक कर देंगे हम ठीक इस तरह। हम सभी जो पट्टियां है उसे रोल करके बना लेंगे। ठीक इस तरह हम सभी रोल को बना लेंगे टूथपिक में लॉक करके। आप देख सकते हैं मैंने सभी पट्टियों को इस तरह बना लिया है। अब हम लेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमने बारीक कट कर लिया है। शिमला मिर्च की जगह आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। अब इसमें हमने लिया है मेयोनीज सॉस और चिली सॉस, इसके जगह आप पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं। तो तीनों को अच्छे से मिक्स करके हम इस रोल के ऊपर के साइड पे लगा देंगे। अब इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च। आप इस पर अपनी घर की बची हुई सब्जी भी लगा सकते हैं जो आप बच्चों को खिला सके। तो उस पर हम डालेंगे थोड़ा सा चीज़ डालेंगे और उस पर डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो ऑरेगानो भी इस पर डाल सकते हैं। इसी तरह हम सब को बना लेंगे ठीक इस तरह। सब पे आप अलग अलग सब्जी या अलग अलग वेजिटेबल रख सकते हैं। शिमला मिर्च हो गया, आप कैबेज हो गया, फिर पनीर हो गया, जो भी आपको पसंद हो, कॉर्न हो गया, आप उस पर रख कर इस तरह आप रख सकते हैं। तो इसी तरह हमने सबको बना लिया है। अब हम लेंगे पैन। पैन को हम स्लो गैस पे रख देंगे, फिर इस पे लगा देंगे घी। आप इस पे बटर भी लगा सकते हैं। अब इस पे हम इसे रख देंगे और गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और इसे ढककर 1 से 2 मिनट चीज़ मेल्ट होने तक पकने देंगे, ताकि नीचे से जो रोटी का परत है वो भी हमारा अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और ऊपर से चीज़ भी मेल्ट हो जाए। तो इसी तरह हम ढक के चीज़ मेल्ट होने तक इसे गैस पे रखेंगे, और हमारा ये स्नैक्स या स्टार्टर हमारा रेडी है। हेल्दी स्नैक्स जो आप बचे हुए रोटी से बना सकते हैं और खाने में तो बहुत ही यम्मी है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।